अच्छा दोस्तों आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रशेज़ जो हैं वो बनाने सीखे थे हमने जो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में ब्रशेज़ मौजूद होते हैं उनके हवाले से भी काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था और हमने उस लेसन में ये भी देखा था कि हम लोग इलस्ट्रेटर में नए ब्रशेज़ किस तरह से जो है वो, वो क्रिएट कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे इस लेसन में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो ब्रशेज़ हम क्रिएट करते हैं उनको हम बेसिकली सेव किस तरह से कर सकते हैं इलस्ट्रेटर की ब्रश वाली लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों होता यह है कि जब हम इलस्ट्रेटर में कोई भी ब्रश क्रिएट करते हैं और जब नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो क्रिएट तो हो गया होता है लेकिन नए डॉक्यूमेंट में हमें नज़र नहीं आता इस चीज़ से बचने के लिए और अपने ब्रशेस को हमेशा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हम इस लेसन में ये लर्न करेंगे कि हम अपने ब्रशेस को इलस्ट्रेटर में किस तरह से सेव कर सकते हैं तो चलें इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और लर्न करते हैं हाउ टू सेव ब्रशेज इन अडोबी इलस्ट्रेटर ब्रश को सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ब्रश जो है उसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रश जो है वो सिंपल सा कोई क्रिएट करता हूँ ताकि हम उसको बाद में सेव करके देख सकें यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ली है सिंपल सी शेप एक ली है इसको मैं कोई सा कलर दे देता हूँ यहाँ से इसको मैं स्वेचेज में से ब्लू दे देता हूँ इसके बाद मैं इसको ऑल्ट की मदद मतलब से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको रीसाइज करके इसी के ऊपर रख रहा हूँ और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ अच्छा इसी तरह से दोबारा मैं इसको एक और इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ और इसकी कॉपी को भी मैं जो है वो री कलर कर रहा हूँ ये देखें मैंने दोबारा इसका कलर कर दिया अच्छा जी अब ये तीनों शेप्स को मैं क्या करूँगा कि मैं ऊपर से आके हॉर्जोंटली और वर्टिकली अलाइन कर लूँगा अलाइनमेंट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा दोस्तों ब्रश को हम जितना छोटा रखेंगे वो उतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर हमें नज़र आएगा अब यहाँ पे ला के मैं इसको रखता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ पैटर्न ब्रश ये तरीका जो है ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ तो ये मुझे इसको रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है अच्छा जी इसको हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखें कि ये ब्रश हमारा यहाँ पर बन चुका है अगर मैं यहाँ से कोई भी शेप लूँ और इसको मैं इसके स्ट्रोक के अंदर आके अप्लाई करूँ तो ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत सा जो ब्रश है हमारा पैटर्न ब्रश वो एक बन गया हुआ है अच्छा लेकिन होगा क्या मैं जैसे ही कंट्रोल एन करता हूं और न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूं तो यहां पे देखें ब्रश लाइब्रेरी के अंदर ब्रश के जो पैनल है इस पैनल के अंदर यहां पे वो ब्रश जो मैंने यहां पे क्रिएट किया था नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ब्रश क्रिएट तो किया लेकिन उसे अभी सेव नहीं किया तो मैं अपनी इस फाइल के अंदर वापस आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा ब्रश मैंने यहाँ पे जो बना के रखा हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा यानी कि सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं ये जो एक छोटा सा यहाँ पे एक हमारे पास साइन बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे एक ऑप्शन मौजूद है सेफ ब्रश लाइब्रेरी दोस्तों जैसे ही हम सेफ ब्रश लाइब्रेरी करेंगे तो ये देखें ये हमें एग्जैक्टली वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर हमारी विंडोज़ के अंदर जो डोबील स्ट्रेटर के ब्रशेज हैं उनका जो एक पोल्डर बना हुआ है वहाँ पे अब इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ अपनी मर्जी से इसको मैं कह देता हूँ जी पैटर्न ब्रश फॉर एग्जांपल और इसको मैं कर देता हूँ सेव दोस्तों सो अब ये जो मेरा ब्रश है ये सेव हो चुका है अब मैं अगर न्यू डॉक्यूमेंट में आऊँ जो मैंने पहले से ले रखा है यहाँ पर अगर आके ब्रश लाइब्रेरी में आऊँ तो यहाँ पर ये देखें ये कुछ वो ब्रशेज़ हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं नीचे ये यूज़र डिफाइंड की एक ऑप्शन आ रही है दोस्तों ये यूज़र डिफाइंड में वो तमाम ब्रशेज़ आपको नज़र आएंगे जो आपने ख़ुद से क्रिएट किए हैं ठीक है इस पर देखें आगे आपको पैटर्न ब्रश की ऑप्शन नज़र आ रही है और अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करें नीचे तो ये देखें हमारा वो जो पैटर्न ब्रश हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर हमें अवेलेबल है इस तरह से हम लोग अपने ब्रशज़ को सेव कर सकते हैं और जो लाइब्रेरी है ब्रशेस की उसके अंदर सेव करके उसको हम कभी भी जब भी हम चाहें उसको जाके हम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने ये लर्न किया कि हम किस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रशेस को सेव कर सकते हैं सो so दैट हम उनको अपने लिए इस्तेमाल के काबिल बना सकें अब आप लोगों ने याद रखना है कि आप जब भी इलस्ट्रेटर में कोई भी ब्रश क्रिएट करें उसको साथ ही क्रिएट करते साथ ही उसको इलस्ट्रेटर की जो ब्रश लाइब्रेरी है उसके अंदर सेव कर लें ताकि आप हमेशा उससे फ़ायदा उठा सकें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और यह आपके लिए बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इलस्ट्रेटर के हवाले से कोई नई चीज़ लेकर आप लोगों के लिए हाज़िर होऊंगा।